गाइस, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो काजू खाने के शौकीन हैं और काजू खाना उन्हें पसंद होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काजू वैसे तो हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। काजू में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जो लोग काजू अधिक मात्रा में खाते हैं और काजू खाने के शौकीन हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है। काजू अधिक मात्रा में खाने से उनमें मौजूद सोडियम का स्तर शरीर में बढ़ जाता है। ऐसे में बढ़ते सोडियम स्तर से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। काजू में मौजूद फाइबर की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो इससे पेट से संबंधित कई समस्या हो सकती है, जैसे पेट फूलना, गैस आदि का समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो लोग अधिक मात्रा में काजू का सेवन करते हैं वो लोग ज़्यादा काजू का सेवन ना करें, नहीं तो वो लोगों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किडनी वाले मरीजों को भी काजू का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि काजू में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, जिसका अधिक मात्रा में सेवन किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर कितना काजू खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, तो चलिए आपको बताते हैं। गाइस, एक दिन में जो काजू का सेवन करना चाहिए वो 10 से 15 काजू का सेवन करना चाहिए। अगर आप एक दिन में 10 से 15 काजू का सेवन करते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप काजू का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। काजू की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन करने से पहले इसे पानी में भिगो कर रख दें। इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और ये शरीर को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। गाइस, काजू अधिक मात्रा में खाने से आपको ये सब नुकसान देखने को मिलेंगे, इसलिए जो लोग अधिक मात्रा में काजू का सेवन करते हैं और काजू खाने के शौकीन हैं वो लोग एक दिन में 10 से 15 काजू से ज़्यादा सेवन ना करें, नहीं तो ये उनके सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। गाइस, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।